you science subject standard 9. So let's start. First lesson is laws of motion. Laws means kanoon, motion means harkat. तो आप अब समझ ही गए होंगे कि हरकत के कानून हम पढ़ने जाएंगे. व्हाट इज मोशन? व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हो मोशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन इट्स कॉल्ड एज मोशन. कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं. जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब तक के फोर्स नहीं लगेगा वो मूव नहीं होगा. कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक के उस पे फोर्स नहीं लगेगा वो क्या होगा? मूव नहीं होगा. इट इज डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन इट्स कॉल्ड एज मोशन. फॉर एग्जांपल आप एक बॉल लीजिए, उसको जमीन पे रखिए, वो अपने आप तो मूव नहीं करेगी ना जब तक कि उस पे फोर्स नहीं लगेगा. अगर उसको जरा सा भी फोर्स लगा तो वो क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा. या तो वो नेचुरली मूव होगा या तो ह्यूमन बीइंग के जरिए मूव होगा, ये तो पता ही है ना. तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन. कंसीडर वन मोर एग्जांपल्स. ये मार्कर है, इसको मैं अपने हाथ पे रखी, जब तक कि मैं इसको फोर्स नहीं दूंगी ये मूव नहीं होगा. देखो मूव हो रहा है. हाँ, तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था. अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन. फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, सेकेंड इज रोटेटरी मोशन एंड थर्ड इज वाइब्रेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन विच इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन, थर्ड इज कर्विलिनियर मोशन and third is random motion. motion कितने type में divide है? three type में, translatory and rotatory and vibratory. ये basic types है, translatory motion, rotatory motion, vibratory motion. अगर आप आगे class में जाओगे तो आपको अलग अलग types मिलेंगे. रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन के थ्री टाइप्स है, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर एंड रैंडम. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसलेटरी मोशन. ओके, व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? Translatory motion, the definition of straight line or curved path. Without any rotation, it's called as translatory motion. Straight line or curved path. मतलब straight line में move करेगी
एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड। और आप लोग जानते हो एसी और डीसी करंट, वो भी है क्योंकि ये डीसी करंट है जो डायरेक्ट करंट है वो डायरेक्ट जाता है, और एसी अल्टरनेटिव करंट है वो अल्टरनेटिव जाता है, इस शेप में जाता है वो, और डायरेक्ट करंट। ओके, इट्स दैट क्लियर? ट्रांसलेटरी मोशन विच इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन इज ऑल्सो known as rectilinear motion. It is also known as linear motion. Linear means seedha. The next example of rectilinear motion, आप लोग स्केल लेते हो, स्केल पता है ना, स्केल, उससे जो आप लोग लाइन ड्रॉ करते हो वो कौन सा मोशन हो रहा है? रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन हो रहा है? रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, इज दैट क्लियर? द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इज कर्विलिनियर मोशन। सेकेंड टाइप क्या है? कर्विलिनियर मोशन। The definition of curvilinear motion, it is defined as the object, moving along a curved path, it's called as curvilinear motion. The definition of curvilinear motion is, it is defined as the object moving along a curved path, it's called as curvilinear motion. Okay? Curvilinear motion ये इस तरह की movement करेगा मोशन, ठीक है? या तो इस तरह की करेगा या तो इस तरह की करेगा। ओके, द एग्जाम्पल ऑफ कर्विलिनियर मोशन इज मोशन ऑफ स्नैक एंड मोशन ऑफ बैडमिंटन। ओके, द एग्जाम्पल ऑफ कर्विलिनियर इज, आप लोग देखे होंगे स्नैक, सांप, जिसको सांप बोलते हैं, सांप जो चलता है टेढ़ा मेढ़ा, वो कैसे चल रहा है, उसका एग्जाम्पल क्या है? वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, जो वो क्या है? कर्विलिनियर मोशन है। आप लोग बैडमिंटन भी खेलते होंगे, ज्यादातर लोग तो खेलते ही है बैडमिंटन। जब हम मारते हैं कॉक को तो वो किस पोजीशन में आता है? वो कर्विलिनियर पोजीशन, कर्व बना रहा है ना वो, तो वो कौन सा है? कर्विलिनियर मोशन है। ओके, द थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इज रैंडम मोशन। The definition of is random motion, an object moving irregular direction. Irregular direction, it's called as random motion. इस
क्वेश्चन इज, जब आप फ्रॉग देखते हो, फ्रॉग देखे हो, मेंढक जानते हो उसको, वो जब फुदकता है वो किस डायरेक्शन में रहता है? उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है नहीं, है ना? तो वो कोई भी डायरेक्शन में जाता है, तो उसका कौन सा मोशन हुआ? रैंडम मोशन हुआ ना। अब हम जब स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग हम एक डायरेक्शन में तो नहीं करते ना, वो तो कैसे भी करते हैं हम लोग, तो वो कौन सा मोशन हुआ? वो भी क्या हुआ? रैंडम मोशन हुआ। अब तो अभी तक हम लोग ने पढ़े ट्रांसलेटरी मोशन के 3 टाइप्स, ओके। फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन, सेकेंड इज कर्विलिनियर मोशन, एंड थर्ड इज रैंडम मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मैंने आप लोग को बताई, जो स्ट्रेट चलता है, जो स्ट्रेट चलता है। कर्विलिनियर मोशन जो कर्व बना के चलता है, ओके। और रैंडम मोशन जिसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, वो कैसे भी मूव करता है, ओके। और ये तीनों को मिला के क्या बना है? ट्रांसलेटरी मोशन, ओके। सो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोटेटरी मोशन। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, द डेफिनेशन ऑफ मोशन, रोटेटरी मोशन इज ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट each and every point rotate about at a fixed point, it's called as rotatory motion. Each and every point rotate about at a fixed point, it's called as rotatory motion. मिसाल के तौर पे एक वॉच ले लो, ये वॉच है, ये एक पॉइंट है, ओके। तो जो घड़ी का पॉइंट जो रहता है वो ऐसे वो इस तरफ मूव करेगा, है ना? वो पूरा रोटेट हो रहा है, पूरा सर्कल बना रहा है वो, तो उसको हम क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन कहेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल फैन ले लो, फैन रोटेट करता है अपने, एक जैसे ये है फैन, ये इधर इधर घूमेगा, इधर से आके फिर इधर जाएगा, फिर इधर से आके फिर इधर जाएगा, रोटेट हो रहा है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन कहेंगे, ओके। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन इज वाइब्रेटरी मोशन। An object moving up and down at a fixed point, it's called as vibratory motion. For example, आप जब आपके घर में मोटर चलता है, वहां पे आप एक ग्लास रख दो, वो कैसे वाइब्रेट करता है? वैसे ही उसको क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। और गिटार ले लो, और फोन जो आता है रिंगिंग होता है, उसमें भी वाइब्रेटरी मोशन होता है, ओके। अभी हमने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन की फुल डिटेल, न्यू ट्रिक एंड टेक्निक के साथ। सो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना।